तो एक ये नया घर है जिसका हम टूर करने वाले हैं, और ये घर बेसिकली स्ट्रक्चर इसका पूरा खड़ा हो चुका, प्लानिंग हमने नहीं करी है, इसकी स्ट्रक्चर भी हमने नहीं किया है। जब इंटीरियर की बारी आई थी और फ्रंट एलिवेशन में लाइट्स वगैरह किस तरीके से आनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इनको गाइड करा था। तो बेसिकली हमने जो प्रोजेक्ट है वो बीच में लिया था, तो इसका वॉक थ्रू मैं आपको दिखाऊँगा सारा। तो दोस्तों चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो सामने आपको घर दिख रहा है ये इसका फ्रंट है। दोस्तों फ्रंट पे देख सकते हैं डाउन लाइट इस पर लगी हुई है, और दोस्तों फ्रंट जो है पूरा वार्म लाइट में बन रखा है। दोस्तों फ्रंट में इसके नॉर्मल पेंट और रस्टिक पेंट का ही यूज़ किया गया है। और दोस्तों फ्रंट पे देख रहे हैं यह है बाउंड्री वॉल, इसमें ब्लैक रंग का ग्रेनाइट और टाइल्स का यूज़ किया गया है। सिंपल सोबर इसकी बाउंड्री वॉल है, और मेन गेट इसका SS का बना हुआ है। फ्रंट पे रेलिंग भी इसकी SS की बनी हुई है, और बाहर जो आपको विंडो नज़र आ रही है ये बेसिकली जो विंडो है ये UPVC में लगी हुई है। तो इस तरीके से देख सकते हैं पूरा फ्रंट, मैंने आपको बता दिया। फ्रंट पे जो डोर है ये इस पर पॉलिश हो रखी है, और इसकी जो फेसिंग है प्लॉट की ये वेस्ट फेसिंग है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इससे अंदर की तरफ, क्योंकि फ्रंट हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है इसमें, तो अब अंदर की तरफ जा कर के इसको और एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों अब हम इस पर आ गए अंदर की तरफ। तो फ्रंट पे इसका देखिए ग्रेनाइट लगा हुआ है, यहाँ पे प्लांटिंग करी हुई है वेस्ट डायरेक्शन में, वहाँ पे AC का आउटलेट निकाल रखा है, और ये देखिए ये पूरे प्लांट्स का यूज़ करा गया, वेस्ट फेसिंग है। और ये बाउंड्री वॉल के अंदर की तरफ से हम देख रहे हैं इसके बीच में SS के पाइप्स लगाए गए हैं। और दोस्तों विंडो के बीच में भी जो है SS के पाइप लगाए गए, अगर आपको दिख रहे होंगे। और ये सारे जो SS है ये 304 ग्रेड में बने हुए हैं। ऊपर फॉल सीलिंग आपको दिख रही है, इसमें ग्रूव्स दिए गए हैं, और इसके नीचे की साइड इसमें वार्म लाइट की जो सीलिंग लाइट है वो लगाई गई है। तो ये देखिए ग्रेनाइट है ये। अब यहाँ से हम जो आते हैं अंदर की तरफ डोर खोलते साथ ही, ये सामने जो है ऋषि भैया जिनका ये घर है, देखिए बड़ी प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं ये। और अब देखिए अंदर आते हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है भैया का। तो फिलहाल अब देखिए इसमें नीचे तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए सामने जो पेंट हो रखा है ये रस्टिक पेंट हो रखा है, ऊपर फॉल सीलिंग हो रखी है, और फॉल सीलिंग का जो यहाँ पर जो प्राइस दिया था वो 55 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट दिया था। ये बेसिकली इनका ऑफिस है यहाँ पर, और नीचे वाला पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है वो ऑफिस में तब्दील है, उसके ऊपर जो है रेंटल के हिसाब से बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा इन्होंने ऑफिस टाइप बना रखा है, सामने फ्रिज है, इधर छोटी सी किचन बना रखी है। और दोस्तों डोर जो आप देख रहे हैं ये 8 फीट के डोर हैं, इसके ऊपर पॉलिश हो रखी है, और देख सकते हैं वहाँ पर कर्टन रोड भी लग रखी है। अब दोस्तों चलते हैं टॉयलेट के अंदर। तो टॉयलेट को अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से टाइल्स लगी हुई है। बेसिकली इसमें कजारिया की टाइल्स लगी हुई हैं, सबसे नीचे डार्क, फिर उसके ऊपर लाइट, फिर उसके ऊपर हाइलाइटर, फिर उसके ऊपर फिर से लाइट, और लास्ट में फिर डार्क। तो ये पैटर्न जो है हमने इसमें ले रखा है, और पूरी जो टाइल्स हैं वो 10 फीट तक कवर करी गई हैं। 10 फीट तक इसलिए कवर करी गई हैं क्योंकि आप अगर 7 या 8 फीट तक कवर करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि उसमें नमी आने के चांस रहते हैं टॉप पे। तो इसमें पेंट का चक्कर ही खत्म, पूरी चारों तरफ जो 10 फीट तक जो टाइल्स लगा दी गई हैं ऊपर तक। और देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया गया। बेसिकली अभी इसमें काफ़ी सारा इंटीरियर का काम अभी रहता है, और मैंने आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कुछ आइडिया मिल जाए। वैसे तो पूरा जो इनका, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्राउंड फ्लोर पूरा ऑफिस के लिए ही है, लेकिन फिर भी इससे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। और फ्लोरिंग पे दोस्तों इसमें सारी जगह टाइल्स ही लगाई गई हैं, और पीछे जो है वॉशिंग एरिया है, अभी यहाँ पे काम काफ़ी रहता है। तो ऊपर से आप देख सकते हैं पूरा कटिंग एरिया है। तो आप देखिए वो दूसरी जो विंडो है वो दूसरे रूम की विंडो यहाँ पे ओपन है वेंटिलेशन के लिए, और इसके सामने जो है वो टॉयलेट है, ये बिल्कुल ऊपर तक, पूरा ऊपर तक खुल रखा है। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। और ये देखिए ये टाइल्स है, ये बीच में ग्रेनाइट की पट्टी लगाई हुई दरवाजे की चौखट के नीचे। दोस्तों ये है भैया का ऑफिस, जहाँ पे कि बैठ करके जो भी क्लाइंट से बात करेंगे। और इंटीरियर का भी इसमें, जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी सारा काम अभी पेंडिंग है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो जब इंटीरियर का काम हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगा। फिलहाल मैं आपको इसका मोटी मोटी जो चीज़ें वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये डेस्क बना रखी है, नॉर्मल इसके ऊपर लैमिनेट पेस्ट करी हुई है,
और सामने यहाँ पे ग्लास है जिससे कि बाहर जो भी बंदे काम करेंगे यहाँ पे बैठ करके उनके ऊपर कंट्रोल रख सकेंगे भैया कि कौन बंदा काम कर रहा है कौन बंदा काम नहीं कर रहा है। और दोस्तों ये जो सोफ़ा है ये गोदरेज इंटीरियो का है और लगभग 35,000 से 40,000 के बीच का इसका प्राइस है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता लेकिन लगभग इसी रेंज के बीच में। और दोस्तों ये जो टाइल्स आप नीचे देख रहे हैं ये भी कजारिया की ही टाइल्स हैं और ये जो टेबल है इसके ऊपर लेमिनेट को पेस्ट करा गया है। तो अब दोस्तों चलते हैं बाहर की तरफ और चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। लेकिन दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर जाने से पहले पीछे मेरे को भैया ने बुलाया कि कोई मिक्सचर है जिसे वो दिखाना चाह रहे हैं, बेसिकली कोहलर कंपनी का ये मिक्सचर है तो उसको चला करके दिखाना चाह रहे हैं भैया। तो ये देख लेते हैं, देखिए ये है मिक्सचर, ये ओपन करा और किस तरीके से इसमें से पानी निकल रहा है, लेट्स सी। ये इसकी सीट आ गई है। और दोस्तों ये जो टॉयलेट है बेसिकली ईस्ट डायरेक्शन में है जो कि वास्तु के हिसाब से गलत है, तो इसको ट्रीट करा गया है, इसको मेटल की जो वायरस से ब्लॉक करके इसके अंदर पिरामिड्स का यूज़ करा गया है जो कि मैं आपको वास्तु की आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हमें करना होता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर से चढ़ते समय हम स्टेयर्स का यूज़ करते हैं और स्टेयर्स पे आप देख सकते हैं ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है, बेसिकली जो ट्रेड है वहाँ पर लाइट कलर का ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, इसका नाम है ग्रीन टेपडार, और जो राइजर है वहाँ पर ब्लैक कलर का ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। और कलर दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही न्यूट्रल कलर्स का यूज़ इसमें करा गया है। और सामने ये जो विंडो आप देख रहे हैं ये UPVC विंडो है, इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो दे रखी है UPVC विंडो, जब यही विंडो इंस्टॉल हो रही थी तो इसके ऊपर मैंने आपको अलग से वीडियो बना करके दे रखी है, अगर वो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। और दोस्तों इस स्टेयर्स पे बेसिकली डोर लैग्ड स्टेयर्स है जिनका यूज़ किया गया है, हम ऊपर चढ़े एक प्रॉपर लैंडिंग आई फिर यहाँ से हम कंटिन्यूस हमने ऊपर चढ़ाई करी है। तो दोस्तों अब ये स्टेयर्स भी जो है डायरेक्टली ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम ऊपर ना जाते हुए हम एंट्री करते हैं फर्स्ट फ्लोर के अंदर। तो फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री करते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें जो टाइल्स हैं लाइट कलर की टाइल्स का यूज़ इसमें करा गया है, बेसिकली डिजिटल टाइल्स हैं जिनमें जिसका यूज़ किया गया। देखिए किचन है, ये मार्बल शीट लुक में जो लेमिनेट है इसका यूज़ किया गया है। और बाहर देखिए, बाहर जो वॉर्म है वॉर्म लाइट्स का यूज़ किया, बिल्कुल अलग ही चमक रही है। और रूम्स में बिल्कुल डिफरेंट टाइल्स का यूज़ किया गया, मतलब जो बाहर टाइल्स है उससे बिल्कुल जैसे डिफरेंट, तो रूम बिल्कुल अलग ही ग्रेस मार रहे हैं। तो वुडन टाइल्स का इसमें यूज़ किया गया है और ये बेसिकली रहने के हिसाब से नहीं है, ये रेंटल इन्होंने बनाया है, तो इसमें बिल्कुल सिंपल से सिंपल चीज़ों का जो है यूज़ करा गया है। नॉर्मल डबल बेड का यूज़ किया गया, इसका जो प्राइस है अप्रॉक्स 20,000 के आसपास, और ये है अलमीरा, सिंपल सी अलमीरा है। और फिर ये वही जो नीचे मैंने आपको टॉयलेट दिखा था ईस्ट डायरेक्शन में, उसके एग्जैक्टली ऊपर फिर से ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, तो ये भी गलत डायरेक्शन में ही है टॉयलेट। तो आने वाली वीडियोज में सारे चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा ढंग से। तो इसमें भी देखिए टाइल्स यूज़ करी गई हैं और इसमें जो टाइल्स हैं वो बेसिकली 8 फीट के लेवल तक इसमें टाइल्स यूज़ करी गई हैं, क्योंकि रेंटल है अपने हिसाब से बंदा बनाता है तो उस हिसाब से अलग थोड़ा सा बनाता है, लेकिन जब रेंटल की बारी आ जाती है तो उसमें थोड़ा सा जो है वो बजट को ध्यान में रखते हुए बनाता है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको इसलिए साथ साथ क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। फिर दोस्तों अब हम फिर से बाहर आ चुके हैं यहाँ पे, अब रूम से बाहर आने के बाद हम चलते हैं टॉयलेट की तरफ। तो टॉयलेट में आप देख सकते हैं सेम कजारिया की टाइल्स यूज़ करी गई हैं, सामने हाईलाइटर है, दोनों वॉल्स की तरफ जो है वो डार्क कलर की टाइल्स का यूज़ किया गया है और फ्लोरिंग में लाइट कलर की टाइल्स का यूज़ किया। तो ये भी आजकल ये कॉन्सेप्ट ट्रेंड में, आप इसका भी यूज़ करते हैं, सिंपल का सिंपल और बड़ा प्यारा सा लगता है। देखिए आमने सामने यहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ करा गया है और सेम लेवल इसका 8 फीट का ही है टाइल्स का। तो ये देखिए इस वाली वॉल पे वॉश बेसिन, इधर टॉयलेट और सामने यहाँ पर आ गए आपके टैप्स और ऊपर गीजर की फिटिंग। दोस्तों इसमें नॉर्मल फ्लोरिंग और बाथरूम की फ्लोरिंग का लेवल जो सेम था, ये बेसिकली एक छोटी सी गलती थी, तो इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बीच में हमने ब्लैक रंग की पट्टी लगा दी जिससे कि बाथरूम का पानी बाहर की जो फ्लोरिंग है उस पर ना आए और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब दोस्तों हम चलते हैं बाहर गैलरी की तरफ।
तो गैलरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने डोर खोला और अब हम आ चुके हैं गैलरी में, जो कि मैंने आपको दिखाया था फ्रंट से दिख रही थी SS की रेलिंग है। इसमें लेवल इसका 3 फिट है। और ये देखिए, ये जो येलो रंग का आपको दिख रहा है, ये गैस की फिटिंग उसमें हो रखी है। वैसे तो देखिए अंडरग्राउंड फिटिंग करवा रखी थी, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ओपन फिटिंग करवानी है, और वो भी बंदे खुद आके करेंगे। सामने नल के देखिए लगे हैं वॉशिंग करने के लिए। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो फिटिंग गवर्नमेंट के, ये खुद ही करते हैं इसमें। और आपने अगर पहले से करवा रही हो तो उसको मानते ही नहीं है। तो इसमें लगभग 350-300 रुपये के आसपास एक पर्ची कटी थी, इसमें पूरी फिटिंग ऊपर तक लेकर आए थे। तो पर कनेक्शन इसका 350 रुपये की पर्ची है। ये इसमें मीटर लगा हुआ है और यहाँ से गैस की सप्लाई जो है वो पूरी गवर्नमेंट देगी पाइपलाइंस के थ्रू। तो बाहर भी आप देख सकते हैं टाइल्स का ही यूज़ करा गया, जो उनकी टाइल्स हमने अंदर यूज़ करी हुई थी। अब दोस्तों सामने देखिए MC भी लगी हुई है स्टेयर्स के ऊपर। तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर की तरफ। तो स्टेयर्स आप देख सकते हैं, स्टेयर्स के थ्रू हम जा रहे हैं। स्टेयर्स पे जो ग्रेनाइट ऑलमोस्ट सेम वही है। सामने जो विंडो है वो UPVC की लगी हुई है, स्लाइडिंग विंडो। और इसका जो प्राइस है लगभग 550 रुपये स्क्वायर फीट है। ये देखिए जो विंडो, ये ओपनेबल है, स्लाइडिंग नहीं है, ये स्लाइडिंग है। तो अब हम आ चुके हैं ऊपर की तरफ। डबल पताम डोर का यूज करा गया है। देखिए यहाँ पे जो टाइल्स का जो यूज करा गया है अंदर, ये ग्रेइश कलर की टाइल्स है। और दोस्तों ये जो इनका सेकंड फ्लोर है, ये भी इन्होंने जो है वो रेंट के हिसाब से ही दे बना रखा है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट नीचे की तरह ही बना हुआ है। ये किचन भी एग्जैक्टली सेम है और फॉल सीलिंग इसमें जो है नहीं कराई गई है। तो अब इसमें देखिए बाथरूम के डिज़ाइन देख लीजिए, ये भी कजारिया की टाइल्स हैं और बेज कलर्स का इसमें यूज़ करा गया बाथरूम में टाइल्स में। और एग्जैक्टली जो प्लेसमेंट है बाथरूम की सब सेम ही है। और लेवल इसमें आप देख सकते हैं 8 फिट तक के लेवल तक इसमें टाइल्स लगाई गई हैं। और इसमें 3D टाइल्स का यूज़ करा गया, आप ध्यान से अगर देखें तो, अगर आप मतलब अगर आप टच करते हैं तो एक हल्का सा टेक्सचर टाइप आपको इसमें दिखेगा। फिर दोस्तों रूम का ये जो डोर देख रहे हैं, ये फ्लश डोर है और इसके ऊपर हमने लैमिनेट को पेस्ट किया हुआ है। ये विनियर नहीं है, इसके ऊपर लैमिनेट की शीट जो है पेस्ट हो रखी है। और इसके बैक साइड पे आप जो देख रहे हैं, ये ओपन स्काई स्पेस है। तो अब हम फिलहाल रूम में आ चुके हैं। रूम एग्जैक्टली जो मैंने आपको दिखाया था नीचे, सेम उसी तरीके से ही बना रखा है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अगर हम सेम तरीके से ही बनाते तो जो किराएदार वो कहते हैं कि आपने ऊपर तो अच्छा बना रखा, नीचे अच्छा बना रखा, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से सेम बना रखा। तो ये बाथरूम है और बाथरूम की टाइल्स भी आप देख सकते हैं इसमें, ये भी कजारिया की ही टाइल्स हैं। और बीच में डिज़ाइन बहुत प्यारा हाइलाइटर इसमें यूज़ करा गया है। और ये भी सेम वही ईस्ट डायरेक्शन की ही टॉयलेट है, जिसको आप देख सकते हैं सारे प्लेसमेंट को। अब दोस्तों हम आ गए सेकंड फ्लोर की गैलरी में और एग्जैक्टली नीचे वाले की तरह ही सेम है। देखिए सामने गैस की फिटिंग हो रखी है, पाइपलाइन आ रखी है नीचे से और उसमें मीटर लगा हुआ है। डबल पताम के दरवाजों का यूज़ किया गया और सामने टैप्स हैं इसमें। अगर आप ग्रीन रिवर करते हैं तो भी पानी वहाँ से ले सकते हैं, वॉशिंग के लिए भी ले सकते हैं। और ये वही सेम किचन हो गई जो कि मैंने आपको दिखाई थी, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर दोनों जगह सेम है। तो अंदर बेसिकली सारे फ्लश डोर्स का यूज़ किया गया। मेन डोर जो इसका है ये सिर्फ लकड़ी का है, जिसपे ऊपर की पॉलिश हो रखी है। दोस्तों अब चलते हैं टेरेस पर और टेरेस पर देखते हैं कि कौन सी फ्लोरिंग यूज़ हो रखी है। तो दोस्तों जो इसमें मार्बल के जो पीसीस आते हैं 1x1.5 के, 1x2 के, तो उन पीसीस का यूज़ किया गया। और बीच में जो गैप्स हैं उसमें जो दाना आता है उसको वाइट सीमेंट के साथ फिल करके और उसमें केमिकल का भी जो है मिक्स करके इस पे जो है घिसाई करी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिमगिरी के मेन टैंक्स हैं जिसका कि इस पे यूज़ किया गया। 3 ओवरहेड टैंक्स इसमें इन्होंने लगाए हुए हैं। और दोस्तों ये जो ओवरहेड टैंक है ये भी वास्तु के हिसाब से इन्होंने गलत डायरेक्शन में लगा रखे हैं। तो ये चीज़ मैंने इनको बता दी थी कि ये सारी चीज़ें इनको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारा इतना इंटरफेरेंस नहीं था,
बेसिकली सारा प्रोजेक्ट भैया ने खुद ही करा है, खाली ऊपर ऊपर से थोड़ी छोटी जो कंसल्टेंसी होती है वो उन्होंने ली थी। देखिए सामने चंद्रमा बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।